स्टडीज, बिग डेटाजन है आप खुद चालीस हजार का डाटा नहीं इकट्ठा करने कई दफा चाहते ये बिग डाटा मौजूद होता है स्टेटिस्टिकल ब्यूरो में होता है हॉस्पिटल में होता है गवर्नमेंट के पास होता है हर मुल्क यूएन यूएनओ ने बहुत से किए हुए हैं जिसके ज़रिए आपके पास वो डेटा मौजूद है आप उसको साइकोलॉजिस्ट की नज़र से क्रॉस कल्चर स्टडी कर सकते हैं जैसा हमने देखा कि कंट्रीज़ की मैपिंग है अब के पाकिस्तान में गैर यकीनी हालात के लिए कितनी टॉलरेंस है यू नो टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी तो ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए कम टॉलरेंस है वो चाहते हैं कि पता हो कि क्या होने वाला है पाकिस्तान में ज़्यादा टॉलरेंस है तो ये उसी से पॉसिबल होता है जब ये बहुत बड़ा डाटा आपके पास हो उस मुल्क के बहुत सारे लोगों का कम अज़ कम हज़ारों में उन लोगों का तो इसमें से हम माइंड करते हैं इसमें से जैसे कान में से सोना निकालते हैं तेल निकालते हैं उस तरह इसमें से बहुत कुछ निकाला जा सकता है ये मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल होता है कंप्यूटर फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेटेड वीडियो ऑडियो रिलेटेड रिसर्च में ये प्रोडिक्टिव मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है कि जो ट्रेंड नज़र आ रहे हैं लोग ये चीज़ इस मौसम में ज़्यादा ख़रीदते हैं या लोग फला जगह ज़्यादा जाते हैं ये पोलिटिकल एनालिस्ट भी कर रहे होते हैं टी वी वाले भी कर रहे होते हैं लेकिन वो रिसर्चर नहीं होते इसलिए वो ज़्यादा बातें फैक्ट को देख के अंदाजे लगा रहे होते हैं एनालिसिस नहीं बायदा किए होते और ये एडवांस एनालिटिकल जो एप्लीकेशंस हैं उनमें भी इस्तेमाल होते हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में इसमें तीन वीज हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम मैनी एनवायरनमेंट द वाइड वेराइटी ऑफ डेटा टाइप स्टोर्ड इन बिग डाटा सिस्टम्स वेराइटी का मतलब यह है कि वो सवाल भी होंगे वो ऑब्जर्वेशन भी होंगी वो किसी की रिकॉर्डिंग ब्रेन की भी हो सकती है वो किसी का ब्लड प्रेशर भी हो सकता है तो वो मुख्तलिफराइटी ऑफ डेटा है द विलोसिटी एट विच मच ऑफ द डाटा इज जनरेटेड कलेक्टेड एंड प्रोसेस वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड तो इतनी जल्दी वो डाटा आप डाउनलोड करके जमा करके उसको इकट्ठा कर सकते हैं जिस काम में आपको महीनों सालों लगेंगे लोगों के पास फिर के लेने में बिग डाटा स्टडीज जो है उनके पास वो मौजूद होता है बिग डाटा स्टडीज़ जो हैं वो अक्रॉस है। कल्चर्स हुई हुई है कि ऑनलाइन उन्होंने कोई सवाल डाले हुए हैं और उनको लोग ऑन करते रहते हैं करते रहते हैं वो फ्री एक सर्वे है हैप्पीनेस का या करेक्टर का है और जब उनके पास हज़ारों का डाटा जमा हो जाता है तो उसको वो एनालाइज़ कर लेते हैं सिमिलैरिटी और डाइवर्सिटी वही कि क्या चीज़ें एक जैसी हैं क्या चीज़ें फ़र्क है ये मुख्तलिफ़ माशरों के बारे में स्टडी हो जाती हैं फिर कल्चर और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ सब कल्चर पाए जाते हैं उनकी स्टडी हो जाती है उसका एनालिसिस हो जाता है और दोनों बातें समझ आ जाती हैं जो उनमें ताज़ात हैं उनमें जो इख्त हैं दो सोसाइटीज़ में और जो उनमें मिलती जुलती चीज़ें लोगों के इमोशंस, मोटिवेशन थॉट्स, मुख्तलफ़ कल्चर्स में क्या हैं तो बिग डेटा के ज़रिए आप उसको बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बहुत वॉल्यूम में और बहुत वेराइटी ऑफ डेटा के ज़रिए रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं